आनी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल निर्मंड में बागी पुल उर्टू सड़क मार्ग पर बागी पुल से 1 किलोमीटर आगे बागी नाला में बजरी से भरा एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान रंजय ठाकुर उम्र 35, पुत्र मोती सिंह ठाकुर, अंकित उम्र 24, पुत्र शिशुपाल, दोनों निवासी मोइन उप तहसील नित्थर, और गुड्डू उम्र 33 वर्ष पुत्र मोतीराम निवासी झलेड़ डाकघर सराहन तहसील निर्मंड के रूप में हुई है। डीएसपी आनी ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात की है, जब आशा देवी पत्नी मोती सिंह ठाकुर निवासी मोइन का यहां डंपर बागी पुल से करीब 1 किलोमीटर आगे बागी नाला पहुंचने पर सड़क से नीचे लुढ़क गया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि डंपर के परखच्चे उड़ गए और इसकी बॉडी अलग और कैबिन अलग अलग हो गए। इसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना बुधवार सुबह लोगों ने निर्मंड पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को ग्रामीणों की मदद से सड़क तक निकाला और मामला दर्ज कर शवों को अपने कब्जे में ले लिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल निर्मंड लाया गया। नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, विधायक आनी विधानसभा क्षेत्र। मुझे भी मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो निर्मंड ब्लॉक के अंदर एक जो रेत का डंपर, जो बजरी का डंपर जो एक्सीडेंट हुआ है, जो बागी पुल उल्टू मार्ग के साथ बागी नाला जगह पे जो है एक्सीडेंट हुआ है दुर्घटनाग्रस्त, इसमें जो है हमारे 3 युवकों की जान गई है और ये बहुत दुखद है। ये 3 में से 2 जो युवक है वो मोइन गांव के रहने वाले और एक जिलहर गांव के रहने वाले हैं। तो मैं इनके परिवार से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस दुख की घड़ी में मैं तीनों परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और मेरी पार्टी भी इन तीनों परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मैं इस समय विधानसभा सेशन में था, अभी मुझे पता चला तो तुरंत मैंने जो है मीडिया से बातचीत करके और SDM से बातचीत करके जो है अब आगे की कार्रवाई के लिए जो है उनको आदेश दे दिए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि परिवार वाले जो इस दुख की घड़ी में उनको भगवान इस दुख सहन करने की क्षमता दे और मेरी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और आने वाले समय में मैं उनके घर पर जरूर पहुँचूंगा। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिन्नी की रिपोर्ट। आनी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल निर्मंड में बागी पुल उर्टू सड़क मार्ग पर बागी पुल से 1 किलोमीटर आगे बागी नाला में बजरी से भरा एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान रंजय ठाकुर उम्र 35, पुत्र मोती सिंह ठाकुर, अंकित उम्र 24, पुत्र शिशुपाल, दोनों निवासी मोइन उप तहसील नित्थर, और गुड्डू उम्र 33 वर्ष पुत्र मोतीराम निवासी झलेड़ डाकघर सराहन तहसील निर्मंड के रूप में हुई है। डीएसपी आनी ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात की है, जब आशा देवी पत्नी मोती सिंह ठाकुर निवासी मोइन का यहां डंपर बागी पुल से करीब 1 किलोमीटर आगे बागी नाला पहुंचने पर सड़क से नीचे लुढ़क गया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि डंपर के परखच्चे उड़ गए और इसकी बॉडी अलग और कैबिन अलग अलग हो गए। इसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना बुधवार सुबह लोगों ने निर्मंड पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को ग्रामीणों की मदद से सड़क तक निकाला और मामला दर्ज कर शवों को अपने कब्जे में ले लिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल निर्मंड लाया गया। लाइव टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिन्नी की रिपोर्ट।